शिव की नगरी काशी में मंदिरों में स्थापित साईं बाबा की मूर्तियों पर एक बार फिर संग्राम छिड़ गया है। बताया जा रहा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत कुलपति तिवारी ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं और वाराणसी के मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियों को हटाने की मांग की है। कुलपति तिवारी ने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने साईं बाबा को चांद मियां घोषित कर दिया है, उसके बाद भी लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कुलपति तिवारी ने कहा कि वाराणसी के मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियां हटाई जाएं। वहीं दूसरी तरफ विश्वनाथ मंदिर की पूर्व महंत की इस बयान के बाद साईं भक्तों के साथ ही वाराणसी में स्थित साईं मंदिर के प्रबंधक और पुजारियों में नाराजगी है। बताते चले कि संत रघुवर नगर क्षेत्र में स्थित साईं मंदिर के प्रमुख अभिषेक कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि इतने बड़े पद पर बैठे किसी भी महंत को किसी के बारे में अपशब्द नहीं कहना चाहिए। वह कहते हैं, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। बाकी भक्तों की आस्था है, वो कभी भी किसी के साथ भी जुड़ सकती है और किसी की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। वहीं कुलपति तिवारी के बयान पर साई भक्तों का कहना है कि बाबा में उनकी आस्था है, इसीलिए वो पूजा करते हैं और कोई भी उनसे ये अधिकार नहीं छीन सकता है। बात करें तो वाराणसी में पूर्व महंत के इस बयान के बाद एक बार फिर से साई बाबा को लेकर मामला गर्म हो गया है।